वक्रतुंड महाकाय शूर्यकोटि शमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ज्ञान भक्ति YouTube चैनल पर, जिसमें आज हम बात करेंगे गणेश विसर्जन क्यों किया जाता है, इसके साथ गणेश जी की स्थापना क्यों की जाती है, गणेश उत्सव कब से और किसने इसकी शुरुआत की थी, आइए जानते हैं। जिस तरह व्यक्ति व्रत का उद्यापन करके उसे संपन्न करता है, उसी तरह गणेश चतुर्थी पर विराजित गणेश प्रतिमाओं को 10 दिन बाद अनंत चतुर्दशी के दिन समुद्र या नदियों में विसर्जित किया जाता है। गणेश उत्सव की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों को एकजुट करने के लिए आयोजित किया था, जो कि धीरे धीरे पूरे राष्ट्र में मनाया जाने लगा। अब जानते हैं कि गणेश विसर्जन क्यों किया जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार श्री वेद व्यास ने गणेश चतुर्थी से महाभारत कथा श्री गणेश जी को सुनाई थी। यह कथा लगातार 10 दिन तक सुनाई थी, जिसे गणेश जी ने बिना रुके 10 दिनों तक लिखा था। इसके कारण उनके शरीर का तापमान अति तीव्र बढ़ गया था। 10 दिन बाद जब वेद व्यास जी ने आंखें खोली तो उन्होंने तुरंत गणेश जी को निकट के सरोवर में ले जाकर ठंडा किया। इसलिए गणेश स्थापना कर चतुर्दशी को उनको शीतल जल में विसर्जित किया जाता है। इसी कथा में यह भी वर्णित है कि श्री गणपति जी के शरीर का तापमान ना बढ़े, इसलिए वेद व्यास जी ने उनके शरीर पर सुगंधित सौंधी मिट्टी का लेप किया था। यह लेप सूखने पर गणेश जी के शरीर पर अकड़न आ गई, माटी झरने लगी। तब शीतल सरोवर में ले जाकर पानी में उतारा। इस बीच वेद व्यास जी ने 10 दिनों तक श्री गणेश को मनपसंद आहार अर्पित किए थे। प्रतीक आत्मक रूप से श्री गणेश प्रतिमा का स्थापन और विसर्जन किया जाता है और 10 दिनों तक उन्हें सुस्वाद आहार चढ़ाने की प्रथा है। गणेश जी की प्रतिमा को घर में विराजमान करने और विसर्जन करने से हमें यह संदेश मिलता है कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, अर्थात जो भी व्यक्ति इस धरती पर आया है उस व्यक्ति को इस धरती लोक को छोड़कर जाना ही पड़ता है। आगे की जानकारी से पहले अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लें, ऐसी ही रोचक जानकारी हम आपको देते रहेंगे। कई जगह पर गणेश जी एक दिन तो कहीं पर 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन या 10 दिन तक विराजमान रहते हैं। आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, ऐसी प्रतिमा की स्थापना ना करें जो विलीन ना हो सकें, अर्थात विसर्जित ना हो सकें। विलीन नहीं होने के कारण वे खंडित होकर इधर उधर भटकती फिरती हैं। ऐसी प्रतिमाएं पुण्य की जगह दोष या पाप दिलवाती हैं। हो सके तो ऐसी गणेश प्रतिमाओं को स्थापित करें जो विसर्जन के बाद पानी में आसानी से घुल सकें। उसके साथ पानी में रहने वाले जीवों को किसी भी प्रकार से नुकसान ना पहुंचाएं। ऐसी प्रतिमाओं का उपयोग करें जो खाद्य पदार्थ से बनी हों, जिससे पानी में रहने वाले जीव उसको ग्रहण कर सकें। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? हम चाहेंगे कि आप हमें सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करना ना भूलें और लाइक जरूर करें। आगे ऐसी ही जानकारी हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।